जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। आज हम देखेंगे कि 6 / 8 ये बड़ा है या 5 / 6, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। हम इसको किस तरह से कर लेते हैं कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8 को 5 से, एंड 8 × 5 यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 36। देन हमें पता चलेगा कि 6 यहाँ वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ पर आएगा 36 और ये है यहाँ पर आएगा 40। तो अब हमें पता चलेगा क्योंकि 36 जो है वो छोटी वैल्यू है और 40 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि 6 / 8 ये जो है ये छोटा है एज़ कम्पेयर टू 5 / 6। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकता जिसके थ्रू हम जो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। थैंक यू सो मच।